भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत के हर क्षेत्र में, खासकर उत्तरी भारत में, गन्ने का जूस बहुतायत मात्रा में पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गन्ने की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये गर्मियों में ऊर्जा और शीतलता दोनों प्रदान करती है। ऐसे में गन्ने के रस की प्रोसेसिंग कर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाकर व्यापार करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आप सभी ने तपती गर्मी में सड़क किनारे गन्ने के जूस का स्वाद तो लिया ही होगा। वहीं अगर ये जूस आपके घरों तक ठंडी सील्ड बॉटल्स में पहुंचे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। और आज उद्यमी की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पैक्ड गन्ने का रस का व्यापार कैसे शुरू करें, इसके बारे में आपको सारी जरूरी जानकारी से हम रूबरू करवाएंगे, ताकि आप भी गन्ने के रस का व्यापार जल्द से जल्द शुरू कर सके और मुनाफा कमा सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पैक्ड शुगर केन जूस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। रॉ मटेरियल्स के तौर पर आपको शुगर केन, लेमन, मिंट, जिंजर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और इंग्रेडिएंट्स आदि की आवश्यकता होगी। चलिए अब इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। गन्ने के रस को तैयार करने के लिए सबसे पहले गन्ने को गन्ना विक्रेताओं और बाकी कच्चे माल को उपयुक्त विक्रेताओं से खरीदा जाता है और उत्पादन की आवश्यकता अनुसार कच्चे माल के गोदाम में संग्रहित किया जाता है। सबसे पहले गन्ने को वॉशिंग टैंक में पानी से साफ किया जाता है, फिर क्रशिंग मशीन से जूस निकाला जाता है। इसके बाद रस का फिल्ट्रेशन करके इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और इसे एक बार फिर फिल्टर किया जाता है। फिर जूस का पेस्चराइजेशन किया जाता है, जिसके लिए इसे वेसल में एक निश्चित समय तक हीट किया जाता है। अब जूस को फिलिंग मशीन की सहायता से बॉटल्स में भरा जाता है, जिसके बाद इसकी कैपिंग करके बॉटल्स को सील कर दिया जाता है। इसके बाद बॉटल्स का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिसके लिए इन बॉटल्स को हॉट वाटर वेसल में एक निश्चित समय के लिए हीट किया जाता है और फिर ठंडा करते हुए रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। फिर इन बॉटल्स पर ब्रांड नेम और डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस की लेबलिंग की जाती है। आखिर में इन बॉटल्स को पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ मशीन्स और इक्विपमेंट की आपको मदद लगती है, जैसे शुगर केन वॉशिंग टैंक, शुगर केन क्रशिंग मशीन, पेस्चराइजेशन वेसल, फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, स्टेरिलाइजेशन वेसल्स और लेबलिंग मशीन। मैन पावर के लिए आपको कम से कम 6 से 7 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। वहीं इलेक्ट्रिक लोड की बात करें तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 8 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी और साथ ही प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवसाय को 1000 बॉटल्स प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के साथ शुरू करने के लिए आपको लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। उपयुक्त सभी फिगर्स आपके व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। प्रारंभिक स्तर पर आप इस व्यवसाय को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ लगभग 15 से 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और करीब 10% से लेकर 12% तक का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लेकिन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंसेस की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे GST, उद्यम और FSSAI। और जो स्कीम्स एप्लीकेबल है वो है PMEGP, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा आप 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक लोन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आपके वर्ग के अनुसार लोन की राशि पर सब्सिडी भी दी जाएगी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। उद्यमी के माध्यम से हमने आपको बताया कि आप किस तरह से पैक्ड शुगर केन जूस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमसे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000333 और 7526000555 पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही आप इन्हीं नंबर्स पर किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।